अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आज हम स्लेव डायनेस्टी यानी ममलूक डायनेस्टी के आखिरी फरमा रवा मोइज़ुद्दीन कैकोबाद के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था शम्सुद्दीन बलबन के बारे में। ये बहुत बड़े सुल्तान रहे हैं और इन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरा जो पोता है वो काई खुसरो, जो कि इनके मोहम्मद जो इनके बेटे थे उनका बेटा था, इनका ग्रैंड सन था। तो मोहम्मद की डेथ हुई थी मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए 1285 में। तो ये इनके बड़े चहीते बेटे थे और अपने बेटे की वफ़ात का बड़ा दुख हुआ था बलबन को, और कहते हैं कि बलबन की डेथ भी इसी शौक की वजह से बाद में हो गई थी। लेकिन बलबन की डेथ के बाद उनके जो नोबल्स थे उन्होंने बलबन की वसीयत को या बलबन के वर्ड्स को ऑनर ना करते हुए उनके एक और पोते जो कि बुरा खान के बेटे थे मोइज़ुद्दीन कैकबद को बना दिया नेक्स्ट सुल्तान, न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली। बुरा खान इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने बंगाल में ही रहने को तरजीह दी, बंगाल का इंतज़ाम संभाला, और इस तरह उनका जो बेटा है मोइज़ुद्दीन कैकबद वो हुक्मरान बना दिल्ली का। तो जब अब हम मोइज़ुद्दीन कैकबद के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम स्लेव डायनेस्टी की जो तमाम रूलर्स हैं, पहले 9 रूलर उनके बारे में पढ़ चुके हैं, अब ये 10वें हैं, 10वें हुक्मरान, 10वें फरमारवा मोइज़ुद्दीन कैकबद, इनके बारे में हम जानेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में तमाम तफसीलात इन तमाम के बारे में इसी सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं। मोइज़ुद्दीन कैकबद ने जब चार्ज लिया ए सुल्तान ऑफ दिल्ली तो उनकी उम्र 17-18 वर्ष थी। इनके वालिद बुगरा खान ने बंगाल में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर दी, यहाँ पे इनका रूल 40 साल तक रहा। मोइज़ुद्दीन कैकबद के बारे में कुछ बातें ये मशहूर हैं कि दो ही वाज एजुकेटेड एंड कल्चर्ड, लेकिन ये कमज़ोर और इनकम्पिटेंट था। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वुमेन एंड वाइन, हर वक्त अयाशी की सूरत हाल में रहता था, और उम्र उसकी ऐसी थी, बहरहाल वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो वाइन के साथ गुजारता था। जब इस बात का पता चला इसके वालिद बुगरा खान को, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो उसने पहले तो लेटर लिखे इसको समझाने के लिए, लेकिन बाद में वो अपनी आर्मी लेके चल पड़ा टुवार्ड्स दिल्ली। अब यहाँ पे हिस्टोरियन कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो एडवाइस करने के लिए गया, कुछ कहते हैं वो जंग करने के लिए गया, लेकिन उनका एक जगह पे आमना सामना हुआ, और उस जगह पे गलबन अयोध्या है, वहाँ पे जाके दोनों बाप बेटा मिले, 3-4 दिन उनके दरमियान मीटिंग हुई, और बुगरा खान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा आप एक अच्छे सुल्तान बने, और एक तो आप ये लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें, क्योंकि बहरहाल आप दिल्ली सल्तनत को संभाल रहे हैं, और दूसरा जो आपका दोस्त है मलिक निज़ामुद्दीन, मलिक निज़ामुद्दीन वाज एन ऑफिसर, और ये बहुत करीब आ गया था कैकबद के, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मलिक निज़ामुद्दीन असल में कैकबद के ख़िलाफ़ था, लेकिन अंदर अंदर से ये ख़िलाफ़ था और ऊपर ऊपर से उसका दोस्त बना हुआ था और उसको गलत मशवरे देता था। बल्कि मलिक निज़ामुद्दीन ने ही मशवरा दिया था कि आप अपने बाप बुगरा खान से जंग करें, और मलिक निज़ामुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि यही इसकी ख़राब लाइफस्टाइल का ज़िम्मेदार भी था, क्योंकि ये कहता था कि आप ठीक कर रहे हैं, उम्र ही ऐसी है, उसके इस तरह के लाइफस्टाइल को वो जस्टिफाई करता था, और कहा जाता है कि इसका मकसद था कि वो इसको कमज़ोर करके खुद दिल्ली के ताज पे कब्ज़ा करे। तो बुगरा खान ने अपने बेटे को नसीहत की कि आप मलिक निज़ामुद्दीन से जान छुड़ाएं। इसके बाद कैकबद वापस आया दिल्ली जंग किए बगैर, इनका आपस में पीस ट्रीटी साइन हो गया अपने वालिद के साथ, और इस पीस ट्रीटी को उनके सक्सेसर ने भी बाद में कायम रखा।
वापस आके केकोबाद ने उनकी जो पहली बात थी कि लाइफस्टाइल चेंज करो, वो तो नहीं मानी। अलबत्ता दूसरी बात को उन्होंने मान लिया। उन्होंने मलिक निज़ामुद्दीन को कहा कि आप मुल्तान चले जाएं। मलिक निज़ामुद्दीन ने मुल्तान जाने से इनकार कर दिया, रिलक्टेंस दिखाई, हेजिटेशन दिखाई, जिस पे काफ़ी नाराज़ हुआ केकोबद। और इन्होंने कहा जाता है कि मलिक निज़ामुद्दीन को जहर दे के मरवा दिया। तो इस तरीके से मलिक निज़ामुद्दीन को जहर दे दिया गया उसकी जगह। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की एंट्री होती है। ये और इनका जो भाई था, दोनों ही वहाँ पे शमसुद्दीन बलबन के सर्विस में थे और ये प्रोमिनेंट होते गए। और बलाखिर मोइनुद्दीन केकुबद ने इनको अपना नया कमांडर बना दिया, आर्मी का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया। अब हुआ ये कि जो लाइफस्टाइल मोइनुद्दीन केकुबद का था, और जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा था, शराब, औरतें, उससे उसकी सेहत खराब होती गई। बलाखिर उसको पैरालिसिस हो गया और वो बिल्कुल ही चलने फिरने से माजूर हो गया। तो यहाँ पे दिल्ली के तख्त पे नोबल्स के दो ग्रुप बन गए। दोनों चाहते थे कि उनका ही वहाँ पे राज चले, उनकी ही बात मानी जाए। एक ग्रुप को लीड करता था मलिक सुरखा और उसके साथ थे मलिक कचान, और दूसरे ग्रुप को हेड कर रहा था जमालुद्दीन खिलजी। दो मुख्तलिफ ग्रुप थे। अब इन्होंने जो पहला ग्रुप था मलिक सुरखा एंड हिज एसोसिएट मलिक कचान, इन्होंने इनके एक छोटे बेटे जिसका नाम कैमूस था, उसको शमसुद्दीन कैमूस, इसको शमसुद्दीन टू कहा जाता है, उसको जो कि बहुत छोटा था उसको सुल्तान बना दिया और खुद सारा निज़ाम संभालने लग पड़े। यानी दे वर कॉलिंग दी शॉट्स। इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना जमालुद्दीन खिलजी को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जमालुद्दीन खिलजी इनके साथ इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था। तो इन्होंने जमालुद्दीन खिलजी उस टाइम दिल्ली से बाहर था, कन्नौज के मकाम पे था। तो मलिक कचान ने पहले तो इनको पैगाम भेजा कि आप वापस आएं दिल्ली में। इस बात का पता जमालुद्दीन खिलजी को चल गया था कि उसके खिलाफ साजिश हो चुकी है और उसको मारने की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन जब जमालुद्दीन ने वहां से ये पैगाम भेजा कि वो बिजी है और वो नहीं आ सकता, तो मलिक कचान खुद चल पड़े टुवार्ड्स जमालुद्दीन खिलजी। इनका आपस में वहाँ पे जाता है, वहाँ पे मैसेज दिया जाता है कि आप वापस आएँ। तो जमालुद्दीन खिलजी वहाँ पे किसी तरीके से मलिक कचान को कत्ल कर देता है और अपने बेटे भेजता है दिल्ली कि आप जाए महल पे कब्जा करें। वहाँ पे जंग होती है और उसमें फिर जो मलिक सुरखा है और इनके दीगर नोबल्स जो इसके खिलाफ होते हैं वो सब मार दिए जाते हैं। और यूं जमालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के तख्त को अपने काबू में कर लेता है। और ये बात है 1290 की। अब यहाँ पे दो राय हैं कि जो मोइनुद्दीन केकुबद था, कुछ कहते हैं ही वॉज मर्डर्ड, कुछ कहते हैं कि वो खुद ही उस सूरत हाल में फौत हो गया। और इनका जो इन्फेंट चाइल्ड था शमसुद्दीन कैमास, उनके बारे में भी दो राय है। कुछ कहते हैं उनको मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि वो जो कि छोटा था और जब इसकी हुकूमत थी खिलजी की, जमालुद्दीन खिलजी की रूल आ गया तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और ये भूख की वजह से फौत हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर। तो जलालुद्दीन खिलजी की हुकूमत जहाँ पे कायम होती है और यहाँ से इस्टेब्लिश होता है खिलजी डायनेस्टी, इसकी बुनियाद रख दी जाती है और ये चलती है 1290 से 1320 तक। तो ये था वो रूल मोइनुद्दीन केकुबद का। और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी एंड होती है। यूँ इस तरह हमने 1206 से लेकर 1290 तक की स्लेव डायनेस्टी को स्टडी किया। इसके बाद जो रूल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, इसके पहले फरमा रवा जलालुद्दीन खिलजी,
जो कि 1290 से 1296 तक हुकूमत करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में खिलजी डायनेस्टी का जिक्र करेंगे और इस लेक्चर की तैयारी में विकिपीडिया और दीगर सोर्सेज से मैंने हेल्प ली है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।